सो गाइस, जैसे कि हमने पिछले वाले एपिसोड के अंदर देखा था कैसे ड्रैगन बॉल थर्ड विश को पूरी करने से पहले ही पत्थर में कन्वर्ट हो गई थी, और यार फोरोंगा था वो डिसअपीयर्ड हो गया अचानक से, और तभी फिर एक ऐसी चीज होती है जिसके बाद में हम सभी शॉक्ड हो जाते हैं, और एक्चुअली में इतने भी शॉक्ड नहीं रहते क्योंकि यार अच्छा हुआ वो उस टाइम पर वो चीज़ नहीं आई। वो चीज़ क्या है अब आप समझ गए होंगे, वहाँ वो चीज़ है फ्रीजा। तो यार थोड़ी देर के अंदर यहाँ पर फ्रीजा आ जाता है सामने, और फिर वेजिटा देखता है, फिर क्रिलिन देख के तो भाई हक्का बक्का हो जाता है। यहाँ पे अभी फ्रीजा शांत है, अब बोलने लगा कि अच्छा इसे तुमने अभी ही किया है ना, तुमने काफी बढ़िया अंदाज के अंदर है ना मेरा पूरा सपना चकना चूर कर दिया अमर होने का। जैसा कि गिन्नी फोर्स से काफी कम रिस्पॉन्स आ रहा था, तो मेरे को लगता है कि मुझे इसका दोष तुम्हें देना चाहिए। मुझे पूरी तरीके से नहीं पता कि क्या हुआ, पर ये सारी घटनाओं का एक सरप्राइजिंग मोड़ है। जैसे मैं अपनी विश को रियलिटी में बदलने जाने वाला था, मैंने ऐसा कैसे देख लिया कि ड्रैगन बॉल पत्थर में बदल गई। मैं केवल वेजिटा की निराशा के बारे में सोच सकता हूँ, हालांकि ये मेरी तुलना में कम है। भाई जब से तुझे बात ही करे जा रहा था, बट अब तो ये इनके सामने आके लग रहा है कहीं इनको मारेगा नहीं। मारेगा तो यार पक्का, क्योंकि यार ड्रैगन बॉल से उन्होंने पत्थर बदल दी। अब फ्रीजा कह रहा है कि इतने बड़े स्केल पे मेरा मजाक उड़ाने वाला कोई इतना बड़ा मूर्ख मैंने नहीं देखा। फ्रीजा भाई गुस्से में कह रहा है तुम, अब फाइट शुरू है, तुम कीड़े मकोड़ों को इसका हिसाब चुकता करना पड़ेगा। मैं तुम्हारी ना मौत को काफी लंबा और दर्दनाक बनाऊंगा। तुम में से कोई भी अब मेरे गुस्से से नहीं बच पाएगा, तैयार हो जाओ नर्क के लिए। फ्रीजा बहुत ज्यादा गुस्से में, अब किसी को नहीं छोड़ने वाला। गोहान डर के मारे कह रहा है कि अब तो हम बर्बाद हो गए। क्रिलिन कहता है इसका पावर लेवल क्या है, हम किसी भी हालत में इसको नहीं मार सकते। फ्रीजा फिर अपनी पावर को थोड़ा कंट्रोल करके कहता है कि बेशक तीन छोटी चींटियां कैसे एक डायनासोर को हरा सकती हैं। वेजिटा कहता है कि हम तुम्हें हरा सकते हैं, हमारे पास इतनी तो ताकत है ही कि हम तीनों मिलकर तुम्हें नीचे गिरा दें। जो इन दोनों का पावर है वो हमेशा बढ़ता रहता है, और जो छोटा बच्चा है उसके पास अभी भी बहुत ढेर सारी पावर है जो कि छुपी हुई है। वैसे तो इस चीज को कोई बताने की जरूरत नहीं है, पर मैं तुम्हारे एक बुरे सपने के बहुत पास में आते जा रहा हूँ, एक सुपर सैयान। फ्रीजा कहता है कि इस बेहुदा मिथ के बारे में मैं सुन सुनकर बहुत ज्यादा थक गया हूँ, प्लीज तुम सुपर सैयान नहीं हो। वेजिटा कहता है कि ये कोई बनाई गई कहानी नहीं, अब मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ कि तुम्हारे उस सन की ट्रांसफॉर्मेशन को भी हरा सकता हूँ। गोहान कहता है ट्रांसफॉर्मेशन? क्रिलिन कहता है कि तुमने ट्रांसफॉर्मेशन कहा, तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है कि ब्रह्मांड के अंदर बस कुछ ही लोग हैं जो कि बदल पाते हैं जब जरूरत पड़ती है उन्हें। कुछ लोग इस चीज से धोखा देते हैं, और जो बाकी लोग होते हैं वो इसको अपनी ताकत को छुपाने के काम में लेते हैं। फ्रीजा कहता है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन एक और काम करता है, मुझे डर लग रहा है, तुम समझ सकते हो मेरे पास काफी पावर है, मेरे को कई बार स्ट्रगल करना पड़ता है इसको जमा करने के लिए। क्रिलिन कहता है कि तुमने अभी क्या कहा? वेजिटा कहता है ये बस बड़बड़ा रहा है, रिलैक्स, उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है। ये सुन के फ्रीजा कहता है कि ओ तो तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें पता है मुझे अब याद आ रहा है जब मैंने प्लेनेट वेजिटा को लिया था, मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी थी ट्रांसफॉर्मेशन की जब मैंने तुम जैसे जंगली लोगों को और तुम्हारे राजा को हराया था। ये सही है वेजिटा, तुम्हारा प्लेनेट कुछ भी खास नहीं था, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा भी नहीं। फिर वेजिटा जवाब देते हुए कहता है कि मैं इतना घमंडी नहीं होता अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो, मेरे पापा की ताकत मेरी अभी की ताकत की तुलना से कम है। क्रिलिन ये सब सुनने के बाद में कहता है कि अच्छा तो ये फ्रीजा था जिसने सियान प्लेनेट को बिल्कुल खत्म कर डाला। फिर वेजिटा कहता है कि चलो फिर बदल के दिखाओ तुम असलियत में कैसे दिखते हो फ्रीजा। तो यहाँ पर फ्रीजा तो यार हंस रहा है, और फिर कह रहा है कि बहुत बढ़िया, अगर तुम इतना बुरी तरीके से मरना ही चाहते हो तो मैं बहुत खुश हूँ, ज्यादा लोगों को इस चीज को देखने का भाग्य नहीं मिला। तो अब लग रहा है ये बदलना शुरू कर रहा है। भाई ये क्या बनने वाला है अब? क्रिलिन कह रहा है इसका पावर लेवल, ये पागल है, ट्रांसफॉर्म हो गया यार। भाई कितना बड़ा हो गया ये तो ट्रांसफॉर्मेशन से, और पावर लेवल खैर क्लिन ने बता ही दिया था। फिरजा अपनी काफी बुरी सी स्माइल देते हुए कह रहा है कि अब संभल के रहना,
पहले जैसे अब मैं नरम नहीं पड़ूंगा। हालांकि तुमने मेरी इस भारी पावर इंक्रीज को नोटिस कर लिया, पर पावर लेवल के हिसाब से देखा जाए तो ये 1 मिलियन से भी ऊपर है, 10 लाख से भी ऊपर पावर लेवल है। डेटा फिर सुनने के बाद कहता है, क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जब तक तो भाई इसने धमाके कर दिए, बचे होंगे क्या? अच्छा ये ऊपर की तरफ चले गए भाई, तीनों के तीनों, तीनों चारों। फिरजा कह रहा है कि तुम तो काफी डरे लग रहे हो वेजिटा। फिरजा फिर इन सबको शांत तो देखता है, फिर कहता है कि क्या हुआ, क्या तुमने सोचा नहीं था कि मैं इतना भी पावरफुल हो जाऊंगा। वेजिटा कहता है, तेरी ऐसी की तैसी फ्रिजा। फ्रिजा कहता है कि अब मेरे को किसको फिर भेजना चाहिए नरक में पहले। भाई शांत हो गया, अब किसको मारे भाई। कह रहा है कि तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है, वो क्रेन पे अटैक कर दिया भाई, तो सिंगी घर दिए। गुहान कह रहा है क्रिलिन, गुहान कह रहा है तुमने उसके साथ क्या करा। तो गाइस देखेंगे यार, गुहान ने डायरेक्ट फैट ले लिया फ्रीजा से, उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। क्रिलिन को ऐसे कैसे उठा के पटक डाला यार, वो उसका चाचा लगता है। तो यार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने दोस्तों में शेयर कर दो यार। क्या धमाकेदार चीज चलते ही जा रही है। और साथ ही में अगर आपको कमेंट करके बताना हो कि अब आगे गुहान पीट पाएगा या फिर नहीं इस फ्रीजा को, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते। नीचे कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया गया है। और यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना साथ ही, इससे यार हमारे चैनल की हर एक नई वीडियो आप तक जल्दी जल्दी पहुंच जाया करेगी और इससे आप पूरा का पूरा मजा ले पाएंगे। तो यार सब्सक्राइब वाला बटन तो यार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बेल आइकन वाला भी। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।